बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना साद बिन अबू वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जब उस्मान बिन मज़ऊन इस हालत में थे कि वह औरतों को तर्क करते थे, तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर इन्हें बुलाया और फरमाया, ऐ उस्मान, मुझे रहबानियत रहबों का तरीक़ा ज़िंदगी का हुक्म नहीं दिया गया, क्या तुम मेरी सुन्नत से मुंह फेरते हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सुन्नत ये है कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और रोज़ा भी रखता हूँ और खाता भी हूँ और निकाह करता हूँ और तलाक भी देता हूँ, जिसने मेरी सुन्नत से रू गर्दानी की वो मुझसे नहीं। ऐ उस्मान, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, अल्लाह की कसम, मुसलमानों में से कुछ मर्द इस बात पर आमादा थे अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और इनकी हालत पर कायम रखा तो हम खसी होकर औरतों से अलहदा हो जाएंगे। सुनन दारमी, हदीस नंबर 2215।